दोस्तों इस साल सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। एक तो आमिर खान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी, ऊपर से यश राज का बैनर। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रखी जा रही थी। आमिर खान दंगल मूवी करने के बाद दो साल बाद वापसी करने जा रहे थे बॉलीवुड में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। हालांकि उनकी मूवी सीक्रेट सुपरस्टार में भी उनका किरदार था, लेकिन वो मुख्य किरदार नहीं था। लेकिन आपको बताते चलें कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान के लिए काफी महत्वपूर्ण मूवी थी, और साथ ही साथ आमिर खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ सिनेमाघरों में देखना सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। लोगों को इस फिल्म से बेहद ही आशाएं थी, लेकिन सारी आशाएं इस तरीके से टूट जाएंगी किसी ने सोचा भी नहीं था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी में शुमार कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चलें कि क्रिटिक्स और पब्लिक की तरफ से इस फिल्म को फ्लॉप भी करार दे दिया गया है। दोस्तों इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहले फिल्म का सबसे खराब स्क्रीन प्ले, और दूसरा फिल्म के कई सारे सीन हैं जो कि फेक दिख रहे हैं। साथ ही आमिर सर का किरदार हमारे दिल में खड़ा नहीं उतर पाया। जैसे कि इसमें बताया जा रहा था कि आमिर सर इस फिल्म में एक ठग का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद पता चला कि आमिर सर इसमें एक पलटू किस्म के आदमी लग रहे हैं, जबकि अमिताभ सर ने इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत सीन को संभालने की कोशिश करी है। अगर बात करें सुरैया की, तो सुरैया का किरदार कैटरीना कैफ अदा कर रही है। फिल्म के पोस्टर और गानों से ऐसा लग रहा था कि सुरैया का जो किरदार है वो इस फिल्म के अंदर मुख्य किरदार है, लेकिन कैटरीना कैफ को दो गानों में नचाने के सिवा यशराज ने उन्हें कोई दूसरा काम नहीं दिया। अगर बात करें फतिमा सना शेख के किरदार की, तो फतिमा सना शेख के मुंह से हमें इस फिल्म के अंदर गिने चुने डायलॉग्स ही देखने को मिले। ऐसे में पूरा किरदार अमिताभ सर और आमिर सर के कंधे पे पड़ा। आमिर सर का किरदार इतना ज्यादा मचकिया था कि वो अपने इस किरदार को संभाल ही नहीं पाए। अगर बात करें अमिताभ सर की, अगर अमिताभ सर इस फिल्म के अंदर नहीं होते तो ये फिल्म जो है पूरी तरह से पिट जाती। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रेस 3 जैसी बड़ी फिल्म के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी दर्शकों को निराश कर दिया है। यानी कि दोस्तों इस तरह दोनों ही खान ब्रदर्स आमिर खान और सलमान खान, जो कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन के साथ साथ ब्लॉकबस्टर भी देते थे, कलेक्शन तो कर गए लेकिन अपने फिल्म में सुपरहिट का टैग नहीं लगवा पाए। ऐसे में शाहरुख खान की फिल्म जीरो का आना बाकी है। ऐसे में तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को सबसे बड़ी फ्लॉप कहा जाए तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि फिल्म का बजट पूरे 300 करोड़ है। हालांकि ये फिल्म उतना कलेक्शन तो कर ही जाएगी, लेकिन आमिर खान की फिल्म से हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है? ये फिल्म के अंदर आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आपके दिल में खरी उतरी या नहीं, या फिल्म के अंदर आपको कौन सी कमजोर कड़ी दिखी, और आपको क्या लगता है इसमें मजबूत पक्ष क्या था? आप जो भी इस बारे में सोचते हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।